हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिर एंड आज हम लोग शुरू करने वाले हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड इट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम सब लोग ये जानते हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, कैसा उसका डेली रोल होता है, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं कंज्यूमर है, क्लियर। पर उसके प्रोटेक्शन के लिए क्यों रिक्वायरमेंट खड़ी हुई, उसके लिए क्या करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है और ये पूरा प्रोसेस कैसे वर्क करता है, तो ये सब कुछ हम लोग ये चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग शील्ड टू कंज्यूमर फ्रॉम द, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है, कंज्यूमर को हमें एक शील्ड प्रोवाइड करना है, यानी कि उसको एक ऐसा कवर प्रोवाइड करना है कि जिसको कुछ चीजों से बचा के रखे। कौन सी चीजों से? तो कि फ्रॉम द अनएथिकल, एक्सप्लोइटेटिव एंड अनलॉफुल प्रैक्टिसेस ऑफ द सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। यानी कि बहुत सारे ऐसे सेलर्स होंगे, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो आउट ऑफ रूल जाके वर्क कर रहे होंगे और जिससे कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन हो सकता है, उससे चीटिंग हो सकती है, उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो उससे हमें कंज्यूमर को बचाना है, उसके लिए हमें एक उसको ऐसा शील्ड प्रोवाइड करना है, कवर प्रोवाइड करना है, ताकि ये सारी चीज़ों से कंज्यूमर जो है वो बच सके। और अगर ये सारी चीज़ उसके साथ हैपन हो जाती है तो उसके बाद भी उसे क्या करना है, ये सब जो है वो किसका हिस्सा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, क्लियर। फिर देन आफ्टर हम लोग देखते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। द कंज्यूमर आइदर डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू यूनाइट। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कंज्यूमर के पास कैपेसिटी नहीं होती है कि वो एक साथ सब इकट्ठा हो सके, यूनाइट हो सके एंड बिकम अवेयर, और वो अवेयर हो सके। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर है जिसको अपने क्या राइट्स है, उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में कभी कभी पता भी नहीं होता है, क्लियर। एंड डू नॉट हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लीगल मेजर्स। और बहुत सारे हमारे यहाँ पे ऐसे रीजन है, इवन जो हमारे लिटरेट पीपल, इलिटरेट को तो छोड़ो, लिटरेट पीपल जो है उसको भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगर उसके साथ अगर ऐसा कोई चीटिंग होता है, फ्रॉड होता है, तो उसके लिए क्या लीगल स्टेप लेने चाहिए, क्लियर। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिसको लीगल मेजर्स के बारे में नहीं पता है। एंड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लीगल मेजर्स इन द इवेंट ऑफ अ कंज्यूमर एक्सप्लोइटेशन। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो जाने के बाद उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए, कैसे वो मतलब अपने साथ जो चीटिंग हुआ है उसका बैलेंस कर सके। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है एज अ कंज्यूमर, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो और उससे कैसे बच सकते हो, क्लियर। फिर देन आफ्टर है इम्पॉर्टेंस। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है, तो उसमें फर्स्ट वन है फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है गाइस शोषण। कंज्यूमर का बहुत तरीके से शोषण हो सकता है, एक्सप्लोइटेशन हो सकता है। अब वो फिजिकली भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, क्लियर। अब फिजिकली कैसे हो सकता है कि भाई चलो उसने कुछ गुड्स खरीदे बहुत अच्छी क्वालिटी के सोच के, और ऐसी क्वालिटी नहीं निकली, उसने बॉडी में कंज्यूम किया और उसको मतलब कुछ एडवर्स इफेक्ट मिला, उसमें मतलब उससे कुछ नुकसान हुआ उसकी बॉडी में, क्लियर। मेंटल एक्सप्लोइटेशन कैसे हो सकता है कि भाई चलो उसका लॉस हुआ है तो वो कहीं ना कहीं मन में वो गुस्सा होगा, या फिर कहीं ना कहीं वो ये चीज दबा के रखना चाहेगा कि भाई चलो ये ऐसा मेरे साथ हुआ, अगर आगे ना हुआ एंड वॉट एवर, क्लियर। तो कहीं ना कहीं उसकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ पे ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, क्लियर। तो उसके लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है। कंज्यूमर आर डिसअपॉइंटेड व्हेन देयर आर फोर्स टू परचेज द लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब उसको कैसे फोर्स किया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड ऑल दैट, क्लियर। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, ऐसा प्रेजेंट किया जाता है, कंज्यूमर को दिखाया जाता है कि ये चीजें बहुत अच्छी है, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है, क्लियर। तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली उसको फोर्स किया जाएगा। डायरेक्टली तो ऑफ कोर्स किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसको इनडायरेक्टली उसके दिमाग में ऐसा इमेज डाला जाता है कि ये चीज बहुत अच्छी है एंड वो परचेज कर लेते हैं और उसका नुकसान हो जाता है, क्लियर। एंड देन है द लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स आर यूज इन द प्रोडक्ट्स एंड लीड्स टू फिजिकल प्रॉब्लम। और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फूड आइटम अगर हम लोग लो क्वालिटी का कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारे बॉडी में उसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल एक्सप्लोइटेशन है, और जो हम लोगों ने उसको इनडायरेक्टली दबाव डाला है, जिसके वजह से उसके मन में कहीं ना कहीं प्रेशर रहेगा या फिर कोई बात चलती रहेगी, तो ये मेंटल एक्सप्लोइटेशन है, क्लियर।
तो फिजिकल और मेंटल एक्सप्लोइटेशन से कंज्यूमर को बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। देन सेकेंड वन क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन। अब हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, कि जिसके साथ पैसे की वैल्यू जुड़ी हो, जिस चीज को हम लोग मनी में वैल्यूड करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, इकोनॉमिक, क्लियर। तो ऑफकोर्स अगर वो खरीदता है लो क्वालिटी की चीजें है, उसको उससे नुकसान हुआ है, तो उसके पैसे तो यूजलेस हुए ना, बर्बाद ही हुए, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, यानी कि हम लोग उसको मनी का शोषण करेंगे, उसके पैसे का मतलब जो सही यूज हो सकता था वैसा नहीं होगा, क्लियर। कंज्यूमर आर फेसिंग द फाइनेंशियल लॉसेस, उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, चार्जिंग द हायर प्राइस देन द प्रिंटेड प्राइस। अब ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होगा गाइस, कि बहुत सारे सेलर ऐसे होते हैं कि प्राइस इंक्रीज करने के लिए उसको स्टोर कर देते हैं और फिर उसको ज्यादा प्राइस से बेचते हैं, क्लियर। ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग होर्डिंग्स भी उसे कहते हैं, कि जब उसकी डिमांड है उसको स्टोर कर देते हैं और बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो जाएगी वो ज्यादा प्राइस से उसको बेचेंगे, क्लियर। ब्लैक मार्केटिंग है मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ब्लैक में मिलती है हमें विदाउट बिल वगैरह, हम मोबाइल फोन वगैरह परचेस करते हैं, ऑल दैट, क्लियर। तो उसमें अगर कुछ खराबी निकल जाती है तो फिर हम कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे, तो एट दैट टाइम हमारा लॉस हो जाएगा, क्लियर। फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मतलब ये एक्सपीरियंस किया होगा, कि जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल सिटी से रूरल एरिया में जाते हैं, हमारे गांव में जाते हैं, विलेजेस में जाते हैं, तो जब भी हम लोग बीच में होटल में ठहरते हैं, कुछ मतलब ब्रेक लेते हैं, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा कि भाई जो 10 रुपीज का चिप्स का पैकेट होता है वो 15 में या तो फिर 12 में मिलता है, एग्जैक्टली उस पर प्रिंट किया हुआ होगा 10, पर फिर भी हमारे से हायर प्राइस लिया जाता है, क्लियर। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ कि प्रिंटेड प्राइस से ज्यादा चार्ज किया जाता है और इसकी वजह से कंज्यूमर का फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, क्लियर। फिर देन आफ्टर है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट सेफ व्हेन सम प्रोडक्ट्स आर परचेज्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन मटेरियल एंड विच इज अ हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिसमें एनवायरमेंट का कहीं पे जिक्र नहीं होता, बहुत सारी चीजों में ऐसा मटेरियल यूज किया जाता है कि जिसके वजह से एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्लियर। तो हमें ये चीजें भी ध्यान में रखनी पड़ेगी, फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई फूड पैकेट आता है तो प्लास्टिक रैप मिलता है, प्लास्टिक बैग में हम बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं, क्लियर। और फिर जब भी हम लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं हमें पता है कि उसको मतलब डिस्चार्ज होने में बहुत टाइम लग जाता है, क्लियर। या तो उसको रिसाइकल कर सकते हैं या तो फिर मतलब जहां पे भी कचरा होगा वहां पे पॉल्यूशन एंड क्रिएट हो सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए, और हमें ये भी पता है कि अगर प्लास्टिक में पैक की हुई हम लोग गुड्स कंज्यूम करते हैं तो उसमें हमारी बॉडी में भी नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे एनवायरमेंट पे अफेक्ट करेगी। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन जरूरी है और इन तीनों चीजों के लिए उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्लियर। फिर देन आफ्टर है मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। अब हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं कंज्यूमर के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तो हमें डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वैसे तो हमें पता ही है कि कंज्यूमर क्या है, हम सब कंज्यूमर है किसी ना किसी के, क्लियर। तो डेफिनेशनली उसका मीनिंग क्या है, तो अ पर्सन वो रिसीव अ गुड्स और अ सर्विसेज अगेंस्ट ऑन एक्सचेंज। ऐसा कोई पर्सन है जो गुड्स और सर्विस को रिसीव करता है अगेंस्ट एक्सचेंज। अब एक्सचेंज भी कुछ भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, गुड्स और सर्विस भी हो सकता है, क्लियर। आप पैसे दोगे कुछ चीजें खरीदोगे, पैसे दोगे कुछ सर्विस खरीदोगे, अगर आप कोई सर्विस के बदले में किसी को और सर्विस प्रोवाइड करते हो, गुड्स के बदले में किसी को और गुड्स प्रोवाइड करते हो, क्लियर। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज के थ्रू अगर आप कोई गुड्स और सर्विसेस रिसीव करते हो तो आप क्या बन जाओगे, कंज्यूमर बन जाओगे, क्लियर। देन है ही पेज द कंपनसेट पार्टली और फुल्ली ऑन अ फ्यूचर डेट। अब हम जब भी ये चीजें खरीदते हैं हम लोग पूरा पेमेंट भी कर सकते हैं, आधा पेमेंट भी कर सकते हैं और क्रेडिट पे भी परचेस कर सकते हैं, क्लियर। और बाकी का जो भी है हम लोग फ्यूचर डेट में हम लोग उसको मतलब पैसे दे देंगे। एनी यूजर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज वो यूज इट ऑन द बेसिस ऑफ अ परमिशन ऑफ अ परचेजर इज अ कंज्यूमर। यानी कि अगर हम लोग कोई गुड्स जो भी है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको यूज करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, तो एट द एंड ऑफ डे हम सब क्या बन जाएंगे, कंज्यूमर बन जाएंगे। क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी ऐसी डेली रूटीन एक्टिविटी करते हैं कि जिसमें हम लोग कहीं ना कहीं कंज्यूमर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुबह की चाय से लेकर शाम के डिनर तक हम बहुत सारी चीजें परचेस कर लेते हैं, क्लियर। तो ये क्या हुआ, कंज्यूमर।
कि हम लोग कुछ गुड्स कंज्यूम करेंगे किसी के एक्सचेंज के बदले में, अब वो एक्सचेंज मनी भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, क्लियर। तो ये हुआ हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का ओवरऑल बेसिक नॉलेज कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जैक्टली कंज्यूमर क्या है, क्लियर गाइस। तो आगे का जो भी हमारा क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।